मैं A&E सोलर झटका मशीन से आपको मशीनों के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी काश्तकार भाई को या किसी बागवान को या फिर किसी अपने गार्डन में या किसी मकान को ऊपर कहीं लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो इन मशीनों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये DC मशीन होता है। इससे 12 वोल्ट बैटरी से ये चलता है और आउटपुट इनका 8000, 10000, 15000 इस तरह का वोल्टेज आउटपुट होता है। पर सेकंड के हिसाब से भी चलता है, और जैसे अपन ज़्यादा आवाज़ आई है और समस्या है तो उसको सेकंड के अंदर 2 बार भी उसका पल्स दे सकते हैं और 2 सेकंड में 1 पल्स भी दे सकते हैं। जैसा अपने इच्छा सा है वैसे उसमें कर सकते हैं। जैसे ये जो मॉडल है, ये मॉडल है 5.5, 6000, 8000, 10000, 3-4 मॉडल होता है इसमें। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, अगले की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेरे को इस तरह की मशीन चाहिए, उस तरह की बना के देते हैं, 2 पैसा खर्चा भी आता है, पर वो मशीन फिर बिगड़ती नहीं है अपने को। तो ये मशीन मैं सबसे हाई क्वालिटी की मैं मशीन बताता हूँ आपको। ये मशीन है, इसका आउटपुट और इसकी फ्रिक्वेंसी आप देख करके पता लगा सकते हो कि इसका कितना पावर हो सकता है। इसकी आवाज़ से भी अपने को पता हो जाएगा कि किस तरह की फ्रिक्वेंसी और किस तरह का आउटपुट है। आप देख सकते हो कितने इंच तक आउटपुट कर रहा है, 3 इंच तक तो आराम से कर रहा है। इस तरह का ज़्यादा एरिया होता है किसी को और करंट का लगाने की नौबत आती है, किसी को 2-2 मशीन लगाने की, तो एक मशीन में भी सर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हम PCB को पैक करके रखा, इस तरह पैक करना पड़ता हार्डनर में, इसको करने से ये फॉल्ट बहुत कम होती है। ये ट्रांसफार्मर है, किसी भी कंपनी में आपको इतना ट्रांसफार्मर हाई क्वालिटी में बढ़िया ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। और जिसको कम 20 बीघा है, 30 बीघा है, 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, इस तरह की अलग अलग क्वालिटी की होती है, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट। अब किसी किसी लोग ऐसे होते हैं जिसको लगानी तो होती है 20 बीघों में, या फिर लगानी होती है अपने मकान के ऊपर, और इतनी हाई मशीन ले लेते हैं, फिर उसका करंट 1-2 किलो तार डालते हैं उस पर, फिर वो करंट इंसुलेटर के ऊपर से जाता है, सायरन आवाज़ करता है, फिर सायरन को वो रोकते हैं ज़बरदस्त, और रोकने के बाद में वो मशीन बिगड़ जाती है, क्योंकि करंट कितनी देर रुकेगा। करंट और फैस आप उसके अंदर चलेंगे, ठीक है 2 घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा, फिर आखिर के अंदर किसी न किसी कंपोनेंट को अपने को है जो जलना ही पड़ेगा, क्यों कि वो खुद ही खराब करते हैं, ध्यान नहीं रखते। इसीलिए तो जिस हिसाब से अपने को छोटा एरिया में लगानी, छोटी मशीन लेनी चाहिए, बड़ा एरिया है तो बड़ी लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे एरिया में बड़ी डाल देते हैं फिर वो करंट नहीं रुकता है। इंसुलेटर आपके पास यदि है अवेलेबल, कम से कम 6 इंच का इंसुलेटर चाहिए, 6 इंच का इंसुलेटर, कम से कम 20 रुपये का एक इंसुलेटर पड़ेगा, अपन ऑर्डर दे के करवाते हैं तो इतना कोई करना चाहता नहीं है। छोटे छोटे इंसुलेटर होते हैं, उसके ऊपर से वो करंट गुजरता है, और करंट आपस में फेस और करंट दोनों आपस में टकराते हैं, और टकरने के बाद में जो मशीन ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए अपने को एक यही गुजारिश है कि जितना जिस तरह का मशीन चाहिए उस तरह का, छोटा चाहिए छोटा ले जाओ, बड़ा चाहिए तो बड़ा ले जाओ। मशीन छोटे से बड़े तक हमारे पास अवेलेबल रहता है एनी टाइम। इस भाई को चाहिए तो ज़रूर संपर्क करना। मेरा नंबर है 9982-55-88-99, रामलाल दायल।